हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका पोक एम्पायर हिंदी के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो लास्ट एपिसोड में हमने बहुत लंबा रास्ता तय किया था, हमने ज़मेंटा से बैटल की थी, हम हार गए थे और हमें हमारा स्टार्टर पोकमोन मिल गया था जो कि है ग्रू की। तो आज के इस एपिसोड में हम इस घर में क्या चल रहा है देखेंगे। ओके, लड़ाई चल रही है क्या? प्रोफेसर मैग्नोलिया, आई कैंट बिलीव यू हैवंट एंडोर्स्ड देम येट लियोन। आई थिंक इट इज टू अर्ली फॉर दैट। नथिंग होप, नथिंग लाइक दैट लियोन। वी मैनेज टू पार्टिसिपेट इन द जिम चैलेंज। ओके, यू टू नाउ हैव टू Have my endorsement. Go won the Leon Hop. Endorsement letter. Yes. Hello, let's battle to train for the challenge. Professor Mag, good battle for you. Okay. भाषा कौन सी समझ नहीं आ रही, इससे लड़ना है क्या? ओके, मतलब बीच बीच में टेक्स्ट कुछ बदल जाता है। ओ, वूलू लेवल 9 का है। ओ माय गॉड, मैंने तो ट्रेन भी नहीं किया। ओ, मैं हार गया। आई एम द बेस्ट और नॉट? ओके, हार गए हैं हम। चलिए, मैं आपको मिलता हूँ उसी स्पॉट पे फिर से एक बार। ओ, इसकी बातें तो खत्म हो। सो हेलो फ्रेंड्स, हम हील कर फिर से वापस आ गए हैं। हमने हमारा ग्रुप के अभी लेवल 8 का, मैंने थोड़ी ट्रेनिंग कर ली थी और हमने एक मतलब हमने सीख ग्रुप की ने सीखा है एक बहुत बेकार अटैक जो कि टॉन्ट, वो कुछ नहीं करता है। डैमेज तो बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ पोकेमोन को उकसाता है। ओके, लियोन्स एंडोर्समेंट, यू शुड लीड टू वाइल्ड एरिया। यस, ये मुझे ट्रेन टिकट मिल गया क्या है? ओके, ये लुक ऑन 1 बुक शेल्फ यहाँ होगा। क्या है, शायद मिल गया एक ट्रेन टिकट। रुको, म्यूजिक भी बंद हो गई अचानक से। अरे भाई साहब, प्लीज बता दो यार। वाह, मिल गया क्या? दिस SSN है, पर ये तो शिप थी ना। ट्रेन इज इन वेड गेब, हाँ पिछली सिटी के। अरे सिटी थी ना, सॉरी SSN है, शिप थी ना। ट्रेन कैसे बन गई? जुगाड़ बिठा दिया इस गेम में तो। मतलब नाम नहीं सोचा तो शिप का नाम ही ट्रेन पर रख दिया, वो भी Gen 1 के शिप का नाम। कमाल दिमाग है। इसका क्रिएटर कौन है? जो भी, उसका दिमाग कमाल है। हाय लो आंटी, वॉच आउट फॉर वाइल्ड एरिया। ओके, वेलकम टू द ट्रेन स्टेशन, डू यू हैव अ टिकट? हाँ है मेरे पास टिकट। ओके, सेटल टू द SSN ट्रेन। हे, ये क्या हुआ? मैं अंदर गया और बाहर भी आ गए। ओ, ये तो मुझे मतलब सफारी जोन जैसा लग रहा है। मतलब ये पूरी तरह से सफारी जोन जैसा है। ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन उसका सब कुछ। ओ भाई, ओ दोस्तों, देख रहा हूँ ये मजाक है क्या? मतलब लेवल 13 का पोकेमॉन के यहाँ से मैं पोकेमॉन
पकड़ना चाहता हो? ओके, लेवल 15 का पूछ ही आना पकड़ूंगा। ओ गाइस, यह तो मतलब हालत पतली हो गई। यहाँ मैं फिर से घर पर क्यों आ गया? मैंने तो हील भी किए थे पोकेमॉन सेंटर से। ओके, हम फिर से आए हैं और ये तो विक्ट्री रोड का म्यूजिक यहाँ क्यों लगाया है? ये सच्ची में विक्ट्री रोड का म्यूजिक है। ओके, ग्रामर, चलिए इसको हराया तो थोड़ी हमारी लेवल तो अप होगी, एक्सपीरियंस तो मिलेगा। ओके, इससे मैं दूर ही रहना चाहता हूँ क्योंकि अगर पॉइजन हो गया तो हालत पतली हो जाएगी। ओके, लेवल 2 का बीडल। तो शायद हमें इसको पार करना है। ओ दोस्तों, क्या वो एक लीफ स्टोन था? ओके, तो चियोटल, फ्रेंड्स चियोटल मेरा सबसे पसंदीदा पोकमोन है ये दोस्तों, इसको ही मैं पकड़ूंगा अभी। ओ नो, हालत पतली कर दी इस पोकमोन ने तो। अरे चिवटल इतना बड़ा क्यों है? चिवटल तो जैसी के बालों जितना होता है। फ्रेंड्स अच्छी में मजाक नहीं कर रहे, चिवटल जैसी के बालों जितना होता है। ये क्या ज़िगज़ैगून? ग्लिच होगा गेम का या कोई मिस्टेक होगी। हील करके मिलते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैंने पोकेमॉन हील कर दिए हैं और चलिए हमारी जर्नी में आ गई। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारे वाइल्ड पोकमॉन है इसलिए मैंने मेरे ग्रूकी को कर दिया है लेवल कितने का, हाँ लेवल 9 का। बोलने में अभी इधर उधर हो गया। ओके, ये क्या है? ओ फ्रेंड्स, ये मुझे पता नहीं है, सच्ची में पता नहीं है मुझे ये क्या है। ओ फ्रेंड्स, डायनामैक्स ओनिक्स। ओ फ्रेंड्स, सच्ची में फ्रेंड्स मतलब इसको हराना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ओ नो, इसने बहुत गड़बड़ कर दिया। क्या फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, मैंने चेक कर लिया पर वो गायब हो गया था। हाँ फ्रेंड्स, सच ही बोल रहा हूँ कि वो गायब हो गया था। ओके, क्यूट है पिक्चू। चलो वायन विप से इसको भी ख़त्म कर दे। ओ फ्रेंड्स, ओ फ्रेंड्स, मैंने ऐसा क्यों किया? जो पकड़ना चाहिए था, क्योंकि सफारी जोन में पिक्चू मिलना बहुत बड़ी बात है। तो आज हमने 2 रेयर एनकाउंटर्स किए जो कि है डायनामैक्स ओनिक्स, पर वो गायब हो गया था फ्रेंड्स। सच्ची में बोल रहा हूँ कि वो गायब हो गया था। वाओ, गोल्ड टीथ मिल गया। ओके, डबल टीम भी मिल गया और यहाँ जाना है, यही है ना रास्ता? ज़रा पढ़ता हूँ मैन्यूअल। ओके, सीक्रेट हाउस यही है और शायद हम अपनी डेस्टिनी पर पहुँच गए, पर ये कहाँ आ गए हैं? ओके, वो यार फ्रेंड्स क्यों कर रहे हैं ये? ग्लिच है या क्या है? मतलब
कभी कभी इसकी इंग्लिश लैंग्वेज हो जाती है या कभी कभी इसकी अलग लैंग्वेज होती है। वैसे वो ब्लिप बग का म्यूजिक अच्छा था, पसंद है मुझे। ओके और यहाँ घरों में जाकर पूछताछ करते हैं, ये जरूर सेंटर से होगा, पोकमॉन सेंटर, नहीं सॉरी पोकमार्ट से, क्योंकि जो बंदा पोकमार्ट पर होता है वो भी इसी ड्रेस में होता है। और फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे कि इस गेम में पोकमार्ट क्या है, तो वो पोकमॉन सेंटर के अंदर ही है, पोकमॉन ब्लैक एंड व्हाइट जैसे। ये कौन है आदमी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने उस आदमी को कहीं ना कहीं तो देखा था, याद नहीं आ रहा। ओ हॉप हमारा भाई, क्या मुझे भाषा भी समझ नहीं आ रही है। वो शायद हम स्टेडियम के अंदर आ गए हैं। ओके 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 हॉप, मेरा भी नाम रजिस्टर कर दीजिए गार्ड अंकल। ओ मैं गो हूँ। ओके कोई बात नहीं, यार मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? हॉप तो बड़ी आसानी से अंदर चला गया था। ओके इसके बात करते हैं। हाँ ये इसका मतलब मुझे पता है कि आर यू फ्रॉम कांटो। ओके चलिए बाहर ये चलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ घूमते हैं। ओके फ्रेंड्स तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एम लग टारगेट लगते हैं 50 लाइक्स का। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियोस देखनी हो हर रोज़। तो बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले एपिसोड में ऑफ पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड।